जरा नानी कुकिंग शो में मैं हूँ जरा और ये है मेरी नानी। हाय, मैं हूँ शबनम सिंह। आपकी ढेरों फरमाइशों पे आज मैं मिक्स वेज सब्जी बना रही हूँ। सबसे पहले 3 चम्मच तेल डालेंगे, उसको अच्छे से गरम होने देते हैं। फिर उसमें जीरा डालेंगे। 1 चम्मच में जीरा डालूंगी। अब डाल रही हूँ प्याज। प्याज है 2 बड़े वाले, अच्छा बड़ा प्याज है। इसे तुम कुकिंग करना। आपकी नई रेसिपी आप लेकर आओ, उसकी कुकिंग करो। ओके, प्याज को अच्छे से गुलाबी होने देते हैं। इसको 5 मिनट लगेंगे। प्याज थोड़े नरम हो गए। 2 चम्मच अदरक लहसुन का क्रश किया हुआ अदरक लहसुन है, हरी मिर्ची है क्रश की हुई 2 टेबलस्पून। अच्छा ठीक, इसमें हरी मिर्ची ज्यादा डाली जाती है, हरी मिर्ची का टेस्ट आता है और तीखा होता है ये सब्जी। ये 2 बड़े टमाटर है, इसको भी मैंने क्रश किया हुआ है। इसको पकने के लिए मैं ढक्कन लगाती हूँ और गैस कम करती हूँ। चलो देखते हैं हमारा मसाला कैसा तैयार हुआ है। अभी इसमें मिक्स सब्जी डालेंगे। इसको 5 मिनट बॉईल किया हुआ है। इसमें गोभी है, इसमें गाजर है, इसमें बीन्स है, इसमें मटर है और इसमें आलू है। मैं अभी इसमें मसाले में इसको भूनती हूँ। इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे। सब्जियों को अच्छा पकने के लिए थोड़ा पानी डालेंगे। जिसमें मसाले मिक्स हो जाए सब्जी में, थोड़ा पानी डाल के 10 मिनट के लिए कम गैस के ऊपर रखते हैं।
चलो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। गैस को मैं कम करती हूँ। 10 से 15 मिनट हो गए, अभी मैं ढक्कन खोलती हूँ और चेक करते हैं सब्जी पक गई है। आप भी इसी तरह करना, आपको लगा क्या थोड़ा कसर है इसमें तो आप 10 से 20 मिनट भी रख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का, हर सब्जी अलग अलग हो गई है और अच्छे से पक गई है। अभी मैं प्लेट करती हूँ। जारा प्लेट लाओ बेटा। चलो हम प्लेट करते हैं। कैसा बना जारा? बहुत अच्छा बना। जारा टेस्ट करो, इसको रोटी के साथ भी खाया जाता है, जीरा राइस के साथ भी खाया जाता है, पराठे के साथ भी खाया जाता है। कैसा लगा आपको भी? बहुत यम्मी बना था। और गाइस आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।